Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss the natural sources of organic compounds. जैसे कि पहला compounds या source जो हम consider करते हैं वो plants and animals हैं. तो organic compound का जो main source है वो plants and animals हैं. अगर plants को देखा जाए तो इनमें से हमें क्या मिल सकता है? Plant में से हमें starch, cellulose, glucose, कार्बोहाइड्रेट्स या इनके सीड्स रूट में से हमें फैट्स वगैरह जैसी चीज़ें मिलती हैं. तो ये प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है. ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्लांट से मिलते हैं. एनिमल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर फैट्स भी आ जाता है, प्रोटीन है, मिल्क है, बटर है या आप यूरिन भी कह सकते हो. इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़्यादा क्वांटिटी होती है. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मेन सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. दूसरे नंबर पे कोल है. कोल जो है अपने पास, ये बनता कैसे है? ये कहा जाता है कि प्लांट्स और ट्रीज की जो डेड बॉडीज हों वो अर्थ क्रस्ट में जब बरीड हो जाती हैं तो तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाती हैं किस में? कोल में. मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज फिर उसके लीव्स हों, स्टेम हों, रूट्स हों, ये जब चीज़ें अर्थ क्रस्ट में तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अंडरग्राउंड हो जाएं तो उनके बाद हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है? कोल. ये बिलीव किया जाता है. लेकिन होता इसी तरह ही है कि इनमें से प्लांट्स और एनिमल का जो वुड होगा उन पर जब बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे पीट में. पीट आप कहते हो ब्राउन स्पंजी को. जब पीट ब्राउन स्पंजी को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सप्लाई होगा तो ये पीट कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में, और लिग्नाइट को आप कहते हो ब्राउन कोल. ये दूसरा नाम है इसका. पीट का दूसरा नाम हो गया ब्राउन स्पंजी और लिग्नाइट का दूसरा नाम हो गया ब्राउन कोल. उसके बाद इनको हाई प्रेशर पे लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाएगा बिट्यूमिनस कोल, जिसको आप कहते हो सॉफ्ट कोल. अब सॉफ्ट कोल को अगेन हाई प्रेशर पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट में. एंथ्रासाइट आप कहते हो किसको? हार्ड कोल को. ठीक है. तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कोल बनना शुरू हो जाता है इन्हीं स्टेप्स के साथ. अब हम कहते हैं कि भाई जो हमारे पास कोल है इसकी हम करवाएं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसको आप क्या कहते हो? कार्बोनाइजेशन. व्हेन कोल अंडरगोज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को और आप कहते हैं कार्बोनाइजेशन. अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो अपने पास होती है वो किसकी होती है? सॉलिड्स की होती है. और कोल हमारे पास क्या है? सॉलिड है. जो भी सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स को जब सेपरेट आप करते हो तो उस मेथड को आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हो. यहाँ पर कोल जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंडर प्रोसेस हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर कोल का कौन सा पार्ट आप यूज करोगे? बिट्यूमिनस कोल, क्योंकि आप उसको कह रहे हो सॉफ्ट कोल. जैसे फ्रेश फ्रूट के अंदर हमें जूस की ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है
और अगर वो फ्रेश ना हो तो कम क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ पर भी एंथ्रासाइट जो है वो हार्ड कोल है, तो इसमें से हमें लिक्विड या डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। इसलिए डिस्टर्ब्ड डिस्टिलेशन जो हम करवाएंगे वो किसकी करवाएंगे, बिट्यूमिनस कोल की, जिसको आप सॉफ्ट कोल कहते हो। बिट्यूमिनस कोल जब डिस्टर्ब्ड डिस्टिलेशन उसमें हो जाएगी तो अपने पास प्रोसेस में से जो चीज़ें मिलेंगी वो कोल गैस होगा, कोल टार होगा, कोक होगा, एमोनिकल लिक्विड होगा और पिच होगा। पिच का दूसरा नाम है रेजिड्यू, पिच का दूसरा नाम है रेजिड्यू। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी और टेम्परेचर होगा 500 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर होगा। कुछ बुक्स में 5 से लेकर 1000 तक, 500 से 1000, और कुछ बुक्स में 1000 से लेकर 1400 तक लिखा हुआ है। तो आप कंसीडर ये कर सकते हो कि 500 और 1400 के दरमियान इनको हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी, कोल गैस, कोल टार, कोक, एमोनिकल लिक्विड और पिच या रेजिड्यू। अब कोल गैस है क्या, कोल गैस के अंदर मेनली जो होता है वो हाइड्रोजन गैस, CH4 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो तकरीबन 50% होती है, CH4 की जो परसेंटेज होती है वो 35 होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है वो 8% होती है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है रेस्ट अमाउंट लीड्स टू द अमोनिया, बाकी जो चीज़ रह जाती है वो जितनी भी परसेंटेज रह जाती है उनमें दूसरे गैसेस के साथ अमोनिया भी होती है। अब आते हैं कोल टार की तरफ, ये हो गया कोल गैस, गैस के फॉर्म में। अब कोल टार जो है वो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ये विस्कस लिक्विड है। अब इस विस्कस लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए जो आप मेथड यूज़ करते हो उसको आप कहते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब एक से ज़्यादा लिक्विड को आपने सेपरेट आउट करना है तो जो मेथड आप यूज़ करते हो वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप करवाओगे तो इसमें तकरीबन 215 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, 215 या अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास ज़्यादातर जो होंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, जैसे फिनोल, ज़ाइलीन, टोलीन, ETC। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस कोल टार में से जो आपको कंपाउंड्स मिलेंगे वो ज़्यादातर हमारे पास क्या होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोक की। कोक जो है वो स्पेशल टाइप है कोल का, स्पेशल टाइप ऑफ कोल यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हो, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हो। इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है, मेनली ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है क्योंकि इसमें एक तो हाई हीट होती है, हाई हीट, हाई टाइमिंग भी ज़्यादा होती है एंड सप्लाई मोर एनर्जी आर द मोर हीट आर मोर एनर्जी, तो इस वजह से ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है और हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ इसलिए ज़्यादा होता है कि इसकी क्वांटिटी जो है दूसरे कोल के मुकाबले में कम इस्तेमाल होती है और इनमें से 2-3 फ़ायदे हैं, तो इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एमोनिकल लिक्विड जब अमोनिया के साथ दूसरे कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स साथ हों तो उसको आप एमोनिकल लिक्विड कहते हो। और पिच या रेजिड्यू जो अपने पास होता है वो ये है कि ये इसलिए बनाया जाता है रूफ्स एंड रोड्स को एज अ कारपेट के तौर पर, मतलब रोड बनाने के लिए जो हम डांबर इस्तेमाल करते हैं उसको आप पिच या रेजिड्यू कहते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।